आज हम लोग की चर्चा विशेष इसलिए है क्योंकि हम लोग आज राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो राजनीतिक मुद्दा यह है कि भारत के ही एक व्यक्ति, साधारण से व्यक्ति, जिनका जन्म इंग्लैंड में ही 1980 ईस्वी में हुआ और उनकी शादी अपने भारत में इन्फोसिस के संचालक जो है उनकी पुत्री से हुई, मतलब भारतीयों के लिए एक तरह से वह पुत्र भी हैं और दामाद भी हैं। और हमारा देश 200 वर्षों तक इंग्लैंड के हुकूमत, इंग्लैंड का गुलाम बन के रहा। लेकिन यह बहुत गर्व की बात है हम भारतीयों के लिए कि देश की आज़ादी के 75 साल बाद इंग्लैंड में ही जन्मे एक भारतीय ने वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर किया, वित्त मंत्री के रूप में रहे और वहाँ कोरोना काल में वहाँ की विधि व्यवस्था को बेहतर करने का काम किया, जिससे इंग्लैंड के लोग जो है वहाँ के प्रभावित हुए उनसे। और मात्र छः साल या 7 साल के ही शासन पीरियड में उनमें यह क्षमता देखने लगे कि यह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और आज हुआ भी वही कि कल 28 तारीख को तो शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन उन्हें 150 करीब सांसदों का सपोर्ट मिला और वह वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में उनको बागडोर संभालने का मौका मिलने जा रहा है। यह इससे बड़ा भारतीय के लिए क्या गर्व हो सकता है। यह पृथ्वी जो है, जो चीज़ आप करते हैं उसका बदला इसी पृथ्वी पे आपको ले लिया जाता है। जिस तरह से इंग्लैंड ने भारतीयों पर इतने सालों तक, 200 वर्षों तक शासन किया, आज उसी भारतीय ने भारतीयों को शासन का बागडोर वो खुद दे रहे हैं। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। ये भारतीयों के लिए अपने आप में गर्व की बात है। ये था एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि एक इंग्लैंड में अगर हमारे भारतीय प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हम शिक्षा को उन दोनों देशों के साथ मिलकर, शिक्षा, सैनिक या जो भी चीज़ें हैं, दोनों देश मिलकर एक साझा कर सकते हैं। इससे अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, भारत की भी और इंग्लैंड की भी। अब ऋषि सुनक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उस अर्थव्यवस्था को किस तरह से सुदृढ़ कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक भारतीय एक बिहार के गांव में बैठकर, लौका की लत्ती के नीचे बैठकर आपको इतनी बड़ी राजनीतिक बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से भारतीयों के अंदर हर तरह की प्रतिभा है और वह प्रतिभा आप अपने देश के अलावे दूसरे देश में भी देख सकते हैं। ठीक है, देश के बहुत बड़ा साम्राज्य कहा जाता था इंग्लैंड को, उगते सूर्य का देश, उस देश का संचालन करना मामूली बात नहीं है और ये भारतीय ही कर सकते हैं। और भारत के अंदर, भारत के छोटे से गांव में बैठा भी व्यक्ति के अंदर एक अदम्य प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा का को वह साबित करने की क्षमता करते हैं। दूसरे देश में जब भारत के लोग जाते थे गिरिमिटिया मजदूर बनकर या किसी भी तरीके से, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था में छोटे से मजदूर बन के जाते थे, लेकिन उनके पास ये क्षमता जरूर होती थी। आज भी भारतीय या बिहारी कहीं जाते हैं तो भले ही छोटे ही कार्य के रूप में जाते हैं, लेकिन वह समय के साथ साथ वहाँ एक छत्र राज्य को संभालने की क्षमता रखते हैं। तो ये बिहारी और भारतीय में भी ही ऐसा क्षमता देखने को मिल सकता है। आईटी से लेकर, इंजीनियरिंग से लेकर, आईएएस, यूपीएससी, सब जगह हमने अपने बोलबाला साबित किया है, देश और विदेश, देश दुनिया में भी हमारी हुकूमत कायम है। तो हम समझ सकते हैं कि हम भारतीय के अंदर कितना गौरवान्वित होने का ये मौका है। हम लोगों को उन्हें, हम लोग के भारतीयों की तरफ से, हम बिहारियों की तरफ से उनको बधाई है और आशा करते हैं कि वो भारतीयों को भी अपनी व्यवस्था में शामिल करेंगे और अपने और हमारे देश के कल्याण के लिए भी एक प्रशस्त मार्ग को प्रशस्त करेंगे। तो आशा करते हैं कि हम लोग की तरफ से ऋषि सुनक को ढेरों सारी बधाइयाँ। थैंक यू।